हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, माइंड ब्लोइंग होंगे और एंटरटेन हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो आपको एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर से आ गई है फिल्मी जोड़ी अपना सुपरस्टार रिएक्शन लेके। आज अनुपमा यादव पहली बार जब खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज पे चढ़ी थी अपनी परफॉर्मेंस देने, उन्होंने जो गाना गाया था स्टेज पे वो था दिल ना लगाई है। सही सुना ना, बहुत सैड सॉन्ग है, बहुत मतलब सुन चुका हूँ, मेरे गाने का रिएक्शन भी कर चुका हूँ। माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है, दिल को टच होने वाला सॉन्ग है। दिल ना लगाई है तो ठीक है, लेकिन दिल लग जाए तो क्या हो उसके बाद? वो गाना मैं गाऊँगा कभी, अपने हाल दिल मैं बयां करूँगा वो। चलो कभी फिर कभी की बात है, जब गाना बनाएंगे उससे पहले टीजर निकाल लेंगे गाने का, बातें करेंगे आपसे, ठीक है? अभी ये गाना हम ये स्टेज शो में सजेस्ट किया है अमन यादव, सविता, मोहित शर्मा, परवींद कुमार, RKN भोजपुरियंस, RSK व्लॉग्स, राजन यादव, सनी 860। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं हम। चलिए अब वीडियो का करेंगे रिएक्शन, वीडियो को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। स्टेज शो है तो माइंड ब्लोइंग एंजॉयमेंट होने वाली है, क्योंकि जो इनकी इंटरेक्शन होती है ना खेसारी लाल यादव की, वो सुपर होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है। बिल्कुल, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते उस चीज़ का किसी और चीज़ के साथ। जो एक गाने के अंदर इनकी परफॉर्मेंस होती है और स्टेज शो की, वो टोटली डिफरेंट है। स्टेज शो में ये बिल्कुल इंटरेक्ट करते हैं आपसे, हमसे, पूरी ऑडियंस से जो वहाँ खड़ी है, ऐसे लगता है जैसे हम वही हैं। लगता है ना नेहा? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, तो नेहा ऐसे ऐसे करने के बाद थोड़ा बोल भी गई, बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब लगता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को, इसके बाद स्टेज शो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। खूबसूरत गायिका अनुपमा यादव जी आई है, जो यही गाने गा करके मंच पर हल्का मचाई है। और आजकल जो पारंपरिक यूट्यूब पर देखते हैं गोलू राजा अनुपमा यादव में हुआ था, वो पूरा टीम जुट गई है। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ जाइए। ये कब से मैसेज कर रहे थे खेसारी भैया चल तो नहीं जाएंगे ना, गोलू भैया रहेंगे ना? हमने कहा कि आराम से आ जा बाबू, सब लोग रहेंगे, ये पारिवारिक शादी समारोह है। मैं चाहता हूँ इस बच्ची के लिए एक बार जो जहाँ वहीं से ताली बजा करके स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं इस मंच के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि हर फैसला होता नहीं आपकी फिल्म का डायलॉग है, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर पर आशिकों को क्या पता, रख देते हैं खत में कैसे वो कलेजा निकाल के। पहले का मोहब्बत हुआ करता था, चिट्ठी लिखाया जाता था, आज तो अपने मोबाइल में नहाया धोया भिगोया हो गया, फेसबुक पर प्यार भाई ना मैसेज पर मैसेजर पर एक्सपायर हो गया। अब हम चाहो कि खेसारी भैया भी धमाल मचे हैं, अनुपमा यादव जी भी गए हैं, गोलू राजा भाई भी धोती से ठुमका लगाए हैं, रोज रोज बोला यूट्यूब पर लोग गलत रहे, लेकिन हम चाहते अब तीन गोला हो गए तो काफी अच्छा लगे, जोरदार ताली बजाई अब तू बोला तीन गोला हो तो उत्सव देखिए। रोहित मंगल के सुपुत्र अभिषेक भैया ने शादी उत्सव में बहुत ही अच्छा माहौल, कम ही जगह शांति माहौल मिला जो माहौल मिले खेसारी भैया देखेंगे। अब हम चाहते हैं धूप बजाओ और आगे जैसे ये माहौल इसलिए है कि अभी तक खेसरिया कौन वीडियो नहीं खे बना है जो हम आवत नहीं दबल है समियाना रोहित का। हम रोहित भैया से बोले थे कि भैया कोई वीडियो मत बनाइए, भैया भी बोले कि ना बाबू हम अपने भाई को बुला रहे हैं और आपको अपने भतीजा की शादी में आना है, कार्यक्रम करने नहीं आना है, आपको नेवता करने आया है। और मैं यहाँ पे आज अपने बड़े भाई के लिए, अपने भतीजा के लिए आया हूँ अभिषेक के लिए, और मैं ही नहीं पूरा भोजपुरी समाज आया है यहाँ पे। एक से एक हीरोइने आई हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब आए हैं, खाली वो डायरेक्टर नहीं है, नहीं तो यही जिंदगी आ जाए दूसर फिल्म बन जाता था, दूसर फिल्म बने वो है भोजपुरी है तू लो मर्दा को जब खत्म हो तू लो हंस के अश्लील कर देता रहा
हम उसे अभद्र नहीं बोलते कि लो हंस के ओकरा का अश्लील बना देते हैं बुझना हूं वालों वालो। अभी एक मेरा और अनुपमा का गाना रिलीज हुआ है शुरुआत दिखा दिखा दे कि नहीं हद में रहलो टूटी ससुरा पहले से ज्यादा गिले चले सुनन ये तनई हद में रहा टूटी ससुर जिसकी वजह से आज मेरा ब्रजभूमि पे अच्छा अच्छा रहा है और भैया मैं भी सोचू अलग डांस नहीं कर दिया गाना अच्छा अच्छा बस बस यही गाना इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए अनुपमा जब इनको देखता हूँ तो सोचता हूँ तो मुझे देवी नजर आती है और ये गायक नहीं सिंगर नहीं इनके अंदर संस्कार बहुत ज्यादा है अब पता ना बोलू से कहे लड़ाई लड़ा जला हमारा तो पता नहीं क्या अब बोलू हमारे साथ छोट छोट तक काम वाले लेकिन लड़े वाले लड़के नहीं है ये बहुत उम्दा गायक है कलाकार और आपका भी जवाब नहीं मेरा भाई जब गाता है तो पूरे अच्छे अच्छे लोगों की बात बना देता है आपका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और हमेशा रहूंगा भी लेकिन मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे और इनके बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुना भी होगा पवन भैया के साथ भी इन्होंने गाया है मेरी सास भी सबके साथ गाती है और इनकी आवाज में जादू है जो कि सबको अपना बना लेता है मैं प्रार्थना ईश्वर से यही करूंगा कि इस बच्चे को इतना कुछ दे दे कि जब ये रोड पे चले तो दुनिया कहेगी हाँ ये अनुपमा है बस यही कामना करता हूँ कि अपने तरफ के लोग अपने गांव के अपने शहर के लोग बढ़ते हैं तो खुद को खुशी होती है जैसे हमारे बढ़ने से आप सबको खुशी होती है क्योंकि मैं सिर्फ एक रसूलपुर चट्टी का रहने वाला और मंगरू यादव का बेटा ही नहीं आज मैं पूरे भोजपुरी समाज का लाल हूँ जो कि सबसे गोद में आज खेल रहा हूँ तो मेरे पिता ने तो सिर्फ मुझे पैदा किया लेकिन सम्मान आप सबने दिखाया तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर हर चाहे वो दुख हो सुख हो अपने भाइयों के लिए अपने पिता के लिए अपने माँ के लिए क्योंकि आज मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं आज पूरे भोजपुरी समाज की हर औरत मेरी माँ की तरह है मेरी भाभी की तरह है मेरी बहन की तरह है तो कोशिश करता है यही आदमी की अच्छी चीजों को करके अपने लोगों के बीच में अपना सम्मान कायम रखना काजल याद आती है इसलिए कि इस गाने का उत्पत्ति वहीं से हुआ था जब मैं बलमजी लव यू कर रहा था
तो उसकी शादी कहीं और हो रही थी और वहीं पे एक सिचुएशन था और मैं उसके लिए गा रहा था। मुझे क्या पता था कि यह हकीकत हो जाएगा। किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, हर चीज का समय होता है। ये आज स्टेज बना हुआ है, कल ये उजड़ जाएगा। ये लाइट लगी हुई है, कल कहीं और लगेगी। तो इसमें दोषी कोई नहीं होता, ना मैं ना आप। ये समय है, सिचुएशन है, जो लोगों को एक करता है और वही सिचुएशन लोगों को अलग भी कर देता है। तो कोई दोषी नहीं होता है, वो समय कराता है और इंसान को इंजॉय करना चाहिए उस हर चीजों को। तू रहल दिल के करीब हो कि तहरा प्यार में पड़ गई है छपरा की गरीब हो कि प्यार रहे खैर क्रिया कसम हो कि तोहरा सिवा देखनी न केहू के हम हो। दोस्तों इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग स्टेज शो। पार्ट अलग अलग रहा, वो सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, 10 मिनट प्लस की वीडियो थी, इसलिए वीडियो इतनी ही थी। यूट्यूब पे भी हमें इतना ही पार्ट मिला। सेकंड पार्ट 100% है इसका, क्योंकि ये बीच में बंद हुई है, हमें पहले नहीं पता था, अभी पता चला। बट सुरो के बेताज बादशाह खेसारी लाल यादव एंड साथ में सुरो के एक्टिंग के डांसिंग के ही लिविंग कॉम्बो ऑफ मैनी 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 आर्ट्स। और इनके साथ ये जो अनुपमा ये सुपर एक्ट्रेस है, वो एक्टर क्या गायिका है, क्या आवाज थी रानी। हाँ, बहुत सुंदर थी। और मतलब खेसारी लाल यादव का जो तरीका है ना कि साथ में जो भी खड़े होते हैं ना उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब ऐसा फील नहीं होने देती कि मैं कहाँ पे हूँ और आप कहाँ पे हो। मतलब वो ये दिल से चाहते हैं कि हर कोई तरक्की करे। बिल्कुल यार, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं साथ वाले को, फिर भी लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। यही बात होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई पता नहीं कैसे होता है ये, समझ नहीं आ रहा। चलो, जो स्टेज शो था इट वाज अ माइंड ब्लोइंग। ये स्टेज शो नहीं था, ये शायद किसी की शादी का प्रोग्राम था। उन्होंने बोला ना, नहीं स्टेज शो, अपने भतीजे के उसमें आया हूँ और वीडियो मत बनाना। शुरू में बात नहीं हुई थी। हाँ, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ध्यान कहीं और था अपनी नागिन जैसी आंखों से। वैसे अब बात करते हैं बैक टू दिस प्रोग्राम। तो स्टेज शो था, शादी का प्रोग्राम था, जो भी था इट वॉज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक सच में। सिंगर, लेडी सिंगर भी ऑसम थी। खेसारी लाल यादव तो हैं ही बहुत गजब के सिंगर, एक्टर और कॉमेडियन हैं, डांसर हैं, क्या नहीं है ये पूछोगे तो ज़्यादा आसान होगा। और अगर आपने ये पूछा ना कि भाई क्या क्या है खेसारी लाल यादव, तो इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, वो बहुत लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। हाँ, अगर लेकिन अगर आप ये पूछ लेते हैं ना कि भाई खेसारी लाल यादव क्या नहीं है, तो उसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। तो ही जस्ट सुपर एक्टर, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में, आवाज़ में। और इन्होंने अपनी जो इंट्रैक्शन थी उसके साथ आज फिर से पब्लिक का दिल जीत लिया। हाँ। हमने बहुत एंजॉय किया इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया है हमारे साथ, स्पेशली अकेले आप लोगों ने एंजॉय किया ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं, अनुपमा यादव के फ़ैन हैं, और आपने हमारे साथ इसको एंजॉय किया है,
तो प्लीज चैनल कर लो सब्सक्राइब, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।